हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करते हैं हम एक ऐसे बंदे की जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहता है। हाँ जी, हम बात करते हैं आज की वीडियो में अरमान मलिक की। लेकिन अरमान मलिक के साथ हम बात करेंगे आज पाकिस्तानी गर्ल किरण की। तो जैसे भी अरमान मलिक के जो भी सारे खुलासे किए हैं वो किए हैं किरण ने। अरमान मलिक के जितने भी सारे खुलासे हुए हैं, सुमित्रा दीदी का हो उनकी, चाहे वो सपना दीदी का हो, चाहे इनकी वाइफ सुमित्रा का हो, पायल का हो, कृतिका का हो, किसी का भी ए टू जेड जो खुलासे हुए हैं वो खुलासे हुए हैं किरण के द्वारा। चाहे उस 11 साल की लड़की का हो जिसका अरमान के ऊपर रेप का केस लगाया हुआ है। कहा गया है इसमें अरमान मलिक ने एक 11 साल की लड़की के साथ रेप किया था और उसकी जो वीडियो है, उस लड़की का जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आया था, वो सबने पढ़ा है। और अरमान मलिक की एक वाइफ पहले भी रह चुकी है जिसका नाम था सुमित्रा, और जिसके दो बच्चे हैं, एक बेटी चंचल और उसका एक बेटा, जिसको बताया जाता है कि अरमान मलिक ने किसी लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं छोड़ा था, जबकि अरमान मलिक से उसको छुड़वाया गया था पायल के द्वारा, क्योंकि अरमान मलिक और पायल रहने लगे थे लिव इन रिलेशनशिप में, जिसके चलते पायल ने अरमान मलिक और सुमित्रा का डिवोर्स करा दिया था। उसके बाद इनकी लाइफ में आई थी कृतिका। कृतिका को ये इसलिए अपनी लाइफ में लाए थे बताया जाता है क्योंकि अरमान मलिक के ऊपर बहुत सारे केस हैं। पहले उसका नाम संदीप जांगड़ा था, फिर उसका नाम उसने राहुल शर्मा रखा, और अब उसने अपना नाम अरमान मलिक रख लिया। बताया जाता है कि उसका नाम अरमान मलिक उसने अपना नाम इसलिए रखा है क्योंकि अरमान मलिक हिंदू भी हो सकता है और अरमान मलिक मोमडन भी हो सकता है। जब उसको लगता है कि हिंदू ज़्यादा है, कुछ हिंदू का फेस्टिवल होता है तो वो हिंदू अरमान मलिक बन जाता है, और जब कोई मोमडन्स का फेस्टिवल होता है तो वो मोमडन अरमान मलिक बन जाता है, क्योंकि मलिक जो गोत होता है वो हिंदू में भी होता है और मोमडन में भी होता है, और नाम अरमान ऐसा रख लिया कि वो हिंदू का भी होता है और मोमडन का भी होता है। देखो ये सब जो गुत्थियाँ सुलझाई थी किरण ने। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो किरण है, जो पाकिस्तानी गर्ल किरण है, उसका भी खुलासा हो गया है। मैंने कितने चैनलों पर सुना है कि जो किरण है उसका रियल नेम किरण नहीं है। बता जा रहा है कि जो पाकिस्तानी गर्ल है किरण, बता जा रहा है कि उसका जो रियल नेम है वो किरण नहीं है, क्योंकि वो उसने जो किरण नाम से अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, आईडी बनाई हुई है किरण नाम से, वो फेक आईडी है, उसका नाम किरण नहीं है। तो ये तो पता मैं कह सकती कि भी 100% ठीक है या नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि किरण को भी एक्सपोज हो गया है, किरण के सारे खुलासे हो गए हैं, उसका नाम किरण नहीं है, उसका नाम कुछ और है। और जो किरण ना अच्छा काम कर रही थी, 11 साल की लड़की को वो इंसाफ दिलाना चाह रही थी, सब उसके सपोर्ट में थे और अब भी हैं कुछ लोग, तो वो अच्छा काम कर रही थी किरण, गलत काम नहीं कर रही थी। एक दूसरे देश की लड़की, एक पाकिस्तान की लड़की, अगर एक हिंदू की लड़की को, एक भारत की लड़की को इंसाफ दिला रही है, उसके लिए खड़ी है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। लेकिन अरमान मलिक को बोला जाता है कि अरमान मलिक किरण की लाइफ में आकर लड़कियों के रेट लगाता है, ठीक है, लेकिन वहीं किरण जो है अब लाइव में पनौड़ी के साथ मिल गई है। जब पनौड़ी लाइव में आया किरण के साथ, उसके साथ मिली, तो पनौड़ी ने कितनी गंदी गालियां दी हैं, अरे अगर कोई तुम्हारे रेट लगा रहा है तो तुम्हें थोड़ना है कि तुम भी उसकी जैसे बनोगे, तुम भी उनके रेट लगवाओगे। और देखो इंडिया लड़की को गाली मिलनी है, जो किरण, जब अरमान मलिक किरण की गाली में, किरण की लाइव में आके गाली देता है, तो वो भी भारत की लड़कियों को रेट लगाता है, और जब पनौड़ी और किरण लाइव में आते हैं तो वहां पर भी भारत की लड़कियों के रेट लगते हैं। मतलब शर्म नहीं आती कि अपने देश में रहकर अपने देश के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, अपने देश की लड़कियों को ही गाली दे रहे हैं। मैं किरण को सपोर्ट करती थी जब किरण 11 साल की लड़की को इंसाफ दिलाती, लेकिन किरण की लाइफ में आकर हमारी भारत की लड़कियां किरण के सपोर्ट में रहती हैं, किरण की लाइफ में रहती हैं, और किरण के साथ मिलकर पनौड़ी इन लड़कियों को ही गाली देता है, और इतनी गंदी गाली देता है। मतलब एक तरफ तो 11 साल की लड़की को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ छोटी बच्चियों को ही, छोटी लड़कियों को ही इतनी गंदी गाली दे रहे हैं। वो पनौड़ी उस चंचल को गाली दे रहा है, अरमान की जो लड़की है सुमित्रा की, अरमान सुमित्रा के जो पहले बच्चे हैं चंचल, उसको गाली दे रहा है, इतनी गंदी गाली दे रहा है। अरे मतलब तुम्हारा चंचल से क्या मतलब गाली देने का, इतनी गंदी गाली यूट्यूब पर, इतने गंदे इशारे करता है वो पनौड़ी, और हमारे देश की लड़कियाँ बैठकर उस लाइव में हंसती हैं,
मतलब किसी दूसरे देश की लड़की हमारे देश में आपस में भिड़वा कर और आपस में ही गाली दे रही, गाली दुआ रहे हैं हमारे देश की लड़कियों को, और हमारे देश की लड़की लाइव में बैठ कर हंस रही हैं कि वाह वाह चंचलों को गाली दी जा रही हैं, वाह वाह कितनी, मतलब कि जहाँ तक उस पनौड़ी ने रितिका को भी नहीं छोड़ा, रितिका को भी इतनी गंदी गाली दी। पहले रितिका जो थी वो किरण के सपोर्ट में थी, किरण की लाइव में आती थी, उसने किरण की, उसने अरमान मलिक के बहुत सारे राज हैं जो सामने लाए हैं। देखो हमने तो एक तरफा सुनाया, ना तो हमने अरमान को सुनाया, हमने सुनाया, हमने सिर्फ रितिका को सुनाया इस बारे में, तो रितिका सही लगी सबको, लेकिन उस पनौड़ी ने रितिका को इतनी गंदी गाली दी, वो बिल्कुल लाइव इतनी गंदी गंदी गाली देता है वो लड़का, कैसे कहता है वो, क्या मोटिवेशन करता है वो कि इतनी गाली सीखो मेरे से, इतनी गंदी गंदी गाली देता है वो। और उस जब वो गाली देता है तो हमारे देश की जो औरत है वो लाइव पर जुड़ी रहती हैं। अरे कुछ भी हो, चाहे हमारे देश से कितने बेकार आदमी हैं, लेकिन आपस में मिलकर तो रहो। दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर हमारे देश की बहन बेटियों को आपस में गाली दिला रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े दिला रहे हैं, और तुम हो कि मज़े ले रहे हो। कुछ शर्म करो, दूसरे देश की एक लड़की ने आपस में ही सब को भिड़वा दिया और सबकी आपस में ही एक दूसरे से, भारत वालों को एक दूसरे से गाली दुआ दी, और वो पनौड़ी कितनी गंदी गंदी गाली देता है यार, उसकी मतलब सुन, उसे लाइव में ले भी कैसे लेते हो आप लोग। और आप लोगों को शर्म भी जाती है कि मतलब जब वो पनौड़ी गाली देता है तो लाइव में इतनी सारी हिंदू लड़की बैठी रहती हैं, उनके सामने इतनी गंदी गंदी गाली देता है और तुम लोग बैठ के सुनती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम छोड़ के लाइव नहीं भागती हो उस टाइम पे, क्या बोल रहा है वो, उसको रोकते नहीं हो कि चंचल वो किससे पूछ के गाली दे रहा है, पायल की लड़की तूबा वो किससे पूछ के गाली दे रहा है। अरे भाई लड़ाई है, मैंने पहले भी कहा था लड़ाई है, अरमान ने गलत किया है, उसको बॉयकट करो, लेकिन इन बच्चों को बीच में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है, इन बच्चों की क्या खता है, बच्चों की गलती है, वो जरा सी लड़की तूबा अभी कुछ महीनों की हुई है, उसने उसे भी पता भी नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ पता नहीं है उसे अभी, और उसे गाली दी जा रही है इतनी गंदी गंदी। एक तरफ वो चंचल, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको तो पहले उसके बाप ने छोड़ दिया, फिर उसके बाद उसको उसकी माँ ने भी तुमसे शादी कर ली, उसकी क्या गलती बेचारी की, उसको क्यों इतनी गंदी दी जा रही है। और पनौड़ी बोलते हैं कि मैं इंसाफ दिलाता हूँ, ऐसे इंसाफ दिलाते हैं गाली दे देकर, क्या सिर्फ एक इंसाफ दिलाने का तरीका ये है कि गाली दो और इंसाफ मिल जाए। अरे इंसाफ दिलाना है, कुछ करो, कुछ अच्छा करो, उस लड़की को इंसाफ भी कहते हैं, हम भी चाहते हैं कि उस 11 साल की लड़की को इंसाफ मिले, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ की गाली, इतनी गंदी गंदी गाली निकाल के इंसाफ मिल रहा है, और हमारे देश की लड़कियाँ, हमारे देश की लड़कियों को गाली मिलती है और लाइव पे बैठ के सुनती है मज़े से, जहाँ तक उसने रितिका को बक्सा और रितिका को इंसाफ दिलाना चाह रहा था और रितिका को गाली दे दी, वो भी इतनी गंदी गंदी लाइव में आकर। मैं सपोर्ट में थी, देखो मैं ये नहीं कहती कि अरमान मलिक ठीक है, अरमान मलिक गलत है, बहुत ज़्यादा केस है, बहुत गलत आदमी है अरमान मलिक, मैं उसको सही नहीं बोल रही, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे किरण भी सही नहीं लगती, आपस में ही दूसरे देश की लड़की आपस में बैठ कर ही हिंदुओं को आपस में लड़वा रही है, और हमारे देश की लड़कियाँ ही वहाँ बैठ कर हंस रही हैं, ताक फाड़ रही हैं, और हमारे देश की लड़कियों को गाली दी जा रही है और वो खुश हो रही हैं। अरे आपको एक बार बताऊँ, इनके देश में जो होता है ना पाकिस्तान में, तुम जरा सी कुछ कह दो सारे एक हो जाएंगे, सब एक के सपोर्ट में आ जाएंगे, और हमारे देश में पता क्या कमी है, हमारे देश में एकता नहीं है बिल्कुल भी, चाहे हमारे देश में कोई किस आपस में बैठ के गाली दुआ रहे हैं, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि लड़कियां आपस में बैठकर हिंदू लड़कियों को गाली दुआ रही हैं। अरे आपस में तुम कुछ भी करो, करो मरो जो करना है करो, लेकिन कम से कम दूसरे देश में तो अपनी इज्जत ना उछलवाओ, दूसरे देश की लड़कियों से तो अपने देश की इज्जत ना छुड़वाओ, अगर उनके देश में कुछ होता है ना तो वे एक हो जाते हैं, और तुम्हारा क्या है, तुम्हारे अंदर एकता नहीं है, जब ये हाल होता है हमारे देश का, जो हम उनकी तरह हमारे देश में भी एकता हो ना तो ये नहीं होगा। 11 साल की लड़की को इंसाफ दिलाना है दिलाओ, पर बॉयकट अरमान मलिक करना है करो, पर बच्चों को इन्वॉल्व मत करो, बच्चों को गाली मत दिलाओ, हमारे देश की लड़के को गाली मत दिलाओ, इंसाफ दिलाना है इंसाफ दिलाओ, इतनी गंदी गंदी गाली देता है वो, सुनते हुए भी शर्म आती है, और आप लोग तो उसकी लाइव में बैठे रहते हो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, कैसे बैठते हो, कैसे सुन लेते हो उसकी लाइव को, और जिसको गाली मिलती है ऐसा नहीं कि उनको गाली देनी नहीं आती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है,